हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क ईआरपी वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप अपने मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर से अपने इशू के लिए टिकट कैसे जनरेट कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में दिए गए टिकट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर टिकट जनरेट करने के लिए न्यू टिकट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टाइप ऑफ इशू में अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इशू टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इशू को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमने इशू टाइप में सेलेक्ट किया है इशू इन GST और VAT, तो जब आप डिस्क्रिप्शन में अपनी क्वेरी या इशू से रिलेटेड वर्ड टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया GST या इशू इन GST, तो सॉफ्टवेयर आपको आपकी क्वेरी से रिलेटेड कुछ सजेशंस या सॉल्यूशंस शो कर देगा। अब अगर आपका इशू सजेशंस में दिए क्वेश्चंस में अवेलेबल है, तो आप उस क्वेश्चन पर डबल क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और यस बटन पर क्लिक करके अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड और हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप नो पर क्लिक करके अपनी टिकट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम टिकट क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर यहाँ दिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, देन यस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ दिए एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी टिकट जनरेट हो जाएंगी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसी विंडो से अपनी जनरेट की गई टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक्नॉलेज, पेंडिंग, क्लोज एटसेट्रा। और यहाँ दिए चैट आइकन पर क्लिक करके हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से चैट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में टिकट सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर से ही अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।